गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ वर्णाली, चली आई हूँ नए एक ब्लॉग के साथ। आज फाइनली ब्रेकफास्ट पे हम लोग वो गुजिया खत्म कर पाए हैं और मैं अभी लंच बना रही हूँ। मैं आज एक खट्टा वाला दही बनाई हूँ, घर पे बना हुआ है। तो ये वाला मेरी बहन मुझे गाइड की थी कि कैसे बनानी है, तो सच में बहुत ही सुंदर बना है। तो मैं अब से कोशिश करूंगी घर पे बनाने के लिए। घर पे बना हुआ दही बहुत ही अच्छा रहता है। और लंच पे आज मैं बना रही हूँ ये चावल कद्दू के साथ, ये थोड़ा सा प्रॉन इसी के साथ बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, इसीलिए आज फिर से और एक रेसिपी देके गई है। वो है कि ये वाला, ये है बॉम्बे डक फिश, जो हम लोग बंगाली में लोटे माछ बोलते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे घर पे बनता नहीं है, मैं भी जहाँ पे रहती थी पहले पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे वो आंटी बनाती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और चायंतन भी आज ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला है। बॉम्बे डक फिश का रेसिपी बहुत ही टेस्टी बना था और शायंतन ने भी ट्राई किया है, उसको बहुत ही अच्छा लगा है। वो बोला है कि टैंगरा फिश से ये वाला फिश ज़्यादा टेस्टी है। और नेक्स्ट दिन जाके मैं भी लाऊ मार्केट से, तो मुझे सीखना पड़ेगा मीनाक्षी दी से कि कैसे इसको बनाते हैं। मुझे नहीं आता है ये वाला बनाना। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक केक बेक करूँगी। मुझे बीच बीच में कभी कभी ये केक खाना बहुत ही पसंद है, तो मैं घर पर ही खुद से कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं केक बेक करने के लिए दे दी हूँ, अब बस मुझे 30 मिनट्स का वेट करना है। है जो केक मैं बनाई थी, और ये केक बहुत ही टेस्टी बना है। बस थोड़ा सा और बेक होता तो मेरे ख्याल से अच्छा ही रहता। आज मेरा डिनर बहुत ही जल्दी बन गया है, मैं बस सिर्फ रोटी बनाई हूँ। और सब्जी तो मीनाक्षी दी ने भेजी है, ये वाला धोखा की सब्जी, तो टेस्ट करूंगी कैसा बना है। वैसे तो इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसी से ही पता चल रहा है कि अच्छा बना है। बाकी हम लोग अभी डिनर करके बताएंगे। आज का डिनर हम लोग का बहुत ही टेस्टी था। वैसे भी मीनाक्षी दी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, हम दोनों को ही बहुत पसंद है। वैसे तो हम लोग अभी फ्रेंड बन गए हैं। मीनाक्षी दी शाम को आई थी, बहुत सारे हम लोग गप्पे किए, बहुत देर तक किए। और ऐसा हो गया है ना, अभी ऐसा लगता है कि पूरा टाइम गप्पे करते ही जाए करते ही जाए। तो मीनाक्षी दी बोली है कि तुम भी कभी आया करो, ऐसे गप्पे करेंगे। तो मैं भी सोच रही हूँ कि कल जाऊंगी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो कोशिश करूंगी जाने के लिए। मुझे लगता है ऐसा साथी सबको होना चाहिए, तो फिर वो खुश रहती है, अपना बातें शेयर कर पाती है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी पहले भी खुश थी। जो भी है, ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।